जनसंघ के समय से भाजपा का गढ़ रहा है। चुनाव भले नहीं जीते शुरू करके 67 से लगातार हम चुनाव जीते। बाकी सब ये शुरुआत में जब जो कुछ नहीं था यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SSRTV। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं खाजीकला सामुदायिक भवन में। आज पटना सिटी के जो भी वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका एक मिलन समारोह हुआ है। ये मिलन वैसे भी आप कह सकते हैं कि जो बुजुर्ग में है, वरिष्ठ में है, उनको आज सम्मान दिया गया है। सम्मान के कार्यक्रम में पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद रविशंकर प्रसाद, पटना साहिब के लोकप्रिय विधायक श्री नंद किशोर यादव जी, पटना महानगर भाजपा के अध्यक्ष अभिषेक चंद्रवंशी जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के पटना सिटी मंडल के जो भी कार्यकर्ता हैं बिल्कुल उत्साह के साथ में काफ़ी उत्साहित नजर आए। इस तमाम कार्यक्रमों पर बने रहिएगा, हम तमाम चीज़ों से आपको अवगत करवाएंगे। ये 9 साल के हम लोग के मोदी की सरकार के पूरा होने पर जो 1 महीने के कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें एक कार्यक्रम ये भी है कि जो हमारे जनसंघ के समय के पुराने कार्यकर्ता नेता हैं उन समूह से मिला जाए, आशीर्वाद लिया जाए। पटना सिटी जनसंघ के समय से भाजपा का गढ़ रहा है, तो मैं विधायक जी नंद किशोर जी का अभिनंदन करूंगा कि आज इतनी बड़ी संख्या में पुराने देवतुल्य अभिभावक कार्यकर्ताओं का दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमने उनको बताया कि मोदी जी की सरकार ने क्या किया है और उनके आशीर्वाद की आकांक्षा की, बहुत उनका आशीर्वाद मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना सिटी जनसंघ का गढ़ रहा है एक ज़माने में और 1952 से हम चुनाव लड़ते रहे हैं। 3 चुनाव भले नहीं जीते शुरू करके 67 से लगातार हम चुनाव जीते। जो हमारे कार्यकर्ता जिन लोगों ने पार्टी को मजबूत करने का काम किया, पार्टी को आधार का विस्तार करने का काम किया, ऐसे जो वरिष्ठ कार्यकर्ता आज हमारे हैं पटना सिटी में, आज हमने उन सबको बुलाया था, उनका अभिनंदन किया है। और हमारा एक ही उसमें आग्रह है कि पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है तो नए कार्यकर्ताओं का प्रवेश होना चाहिए, साथ साथ पुराने कार्यकर्ताओं का भी प्रॉपर सम्मान होना चाहिए और उनके अनुभव का लाभ होना चाहिए। दोनों का समन्वय करके हम पार्टी को और विस्तार देने का काम करेंगे। और 9 साल की जो उपलब्धि है माननीय मोदी जी की सरकार की, भाजपा सरकार की, उन उपलब्धियों को हम जन जन तक पहुँचाने में अपने इन पुराने और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का भी योगदान लेंगे।